जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अग्निवीर सेना भर्ती का फाइनल रिजल्ट लगातार जारी किया जा रहा है। अभी एक और जेडआरओ ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट पर पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देनी है। आपको बता दें कि जिन युवाओं का सिलेक्शन हो रहा है, जो फाइनल मेरिट में आ रहे हैं, उन युवाओं के लिए आर्मी की ओर से एक विशेष सूचना जारी की गई है। महत्वपूर्ण जानकारी इन युवाओं के लिए दी गई है, तो उस जानकारी को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार उस रिजल्ट को देख लेते हैं जो अभी सेना की ओर से जारी किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम फिलहाल ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने कल यहाँ तक का रिजल्ट देख लिया था। आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने कोटा एआरओ का रिजल्ट हमने देख लिया था। ये यहाँ तक का रिजल्ट हमने देखा था। अभी जो रिजल्ट है वो यहां तक आ चुका है, यानी चार एआरओ का रिजल्ट आ चुका है, जेडआरओ शिलांग वालों का। तो देखिए, वैसे मैंने इन पीडीएफ्स को यहां पर खोल कर रखा हुआ है सभी का, आप रिजल्ट यहां पर चेक कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि अभी इस रिजल्ट को अगर हम ऐसे ही देखते हैं तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि जीडी में कितने, टेक्निकल में कितने, ट्रेडमैन में कितने, या देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, इस रिजल्ट को बेहद ही आसान तरीके से आपको समझाने के लिए, कंपेयर करते हुए एआरओ को एक दूसरे से, मैंने एक चार्ट तैयार किया है, और चलिए उसी चार्ट के माध्यम से हम इस रिजल्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस चार्ट की तरफ। ये देखिएगा दोस्तों, यहां पर आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं। इस चार्ट में बड़े ही आसानी से आप चारों रिजल्ट को देख पाएंगे और कंपेयर भी कर पाएंगे कहां पर कितनी वैकेंसी रही है। देखिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले इसको, तो आप देख लीजिए जेडआरओ शिलांग अग्निवीर रिजल्ट 2023 है। बस इसमें एक चार्ट में एक कमी थोड़ी सी यहां पर यह रही है कि जो टोटल वाला कॉलम है वो नीचे आना चाहिए था, यहां पे ये टेक्निकल टीम ने यहां कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बड़े आसानी से, आपको यहां पर भी ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए बात कर लेते हैं अगर शिलांग की ही, तो देखिए यहां पर जो जीडी की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए यहां पर देखते जाए इंडिकेट 299 बच्चे जीडी से सिलेक्टेड हुए। कहां से? शिलांग से। टेक्निकल से 8 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, ट्रेडमैन 10वीं पास से 11 और ट्रेडमैन 8 पास से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। कहां से? शिलांग से। और देखिए टोटल की बात करें तो इन सभी वैकेंसी को मिलाने के बाद में 321 बच्चे होते हैं, जो कि आप यहां पर ग्राफिक्स में भी देख पा रहे हैं, चार्ट में भी देख पा रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, सिलिचर एआरओ पर आ जाते हैं। देखिए जीडी में 237 का सिलेक्शन हुआ है, टेक्निकल से 5 का हुआ है, 10वीं पास ट्रेडमैन से 22 का और 8वीं पास ट्रेडमैन से 12, और कुल जो वैकेंसी थी वो इन सबको मिलाने के बाद में कितनी बन रही है? 276, वो आप यहां भी देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नारंगी एआरओ की ओर। यहां पर भी आप देख लीजिएगा जीडी से कितने, 529 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। चलिए यहां पर जीडी में जो वैकेंसी है ऐसा लग रहा है कि फिर भी ठीक ठाक दी है। यहां से टेक्निकल में 29 है, 10वीं पास ट्रेडमैन से 40 है और 8वीं पास ट्रेडमैन से 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इन सबको मिलाने के बाद कुल वैकेंसी होती है 605, जो आप यहां भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं जोरहाट एआरओ की ओर से, तो देखिए जीडी में 391 बच्चों का सिलेक्शन है, टेक्निकल से 11 का है, 10वीं पास ट्रेडमैन से 17 और 8 पास ट्रेडमैन से सिर्फ 2 बच्चों का सिलेक्शन है। कुल इन सभी को मिलाने के बाद में टोटल 421 वैकेंसी है जोरहाट एआरओ से, जो आप यहां भी देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब आपके मन में कोई सवाल बचा होगा, सर वहां पर कितनी वैकेंसी थी, जीडी में कितनी थी, टेक्निकल में कितनी थी, ट्रेडमैन में कितनी थी। वो तमाम जानकारी मुझे लगता है कि आपको यहां पर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है इस ग्राफिक्स के माध्यम से। दोस्तों अब हम उस पर बात कर लेते हैं कि सेना की ओर से वो क्या विशेष जानकारी, वो क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए दी गई है जो बच्चे चयनित हो चुके हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए एक बार तो मैं आपको सीधा ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पर ही लेकर चलता हूं और यहीं पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिएगा, अगर हम एक नोटिस को ही खोल के देख लेते हैं तो देखिए यहां पर आप देख पाएंगे, ये देखिए सबसे ऊपर देगा इंपोर्टेंट नोट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, और देखिए यहां पर जब आप आते हैं तो देखिए यहां पर महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं आप सभी के लिए। देखिए इसको भी हमने हमारे हिसाब से तैयार किया है, चलिए आपको उसी आसान वे में लेकर चलते हैं समझाने के लिए, बस साइट पर आपको दिखाना था। देखिए यहां तक आ गए, अब ये गलती मत कर देना। गलती क्या नहीं करनी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या इसमें हमें गलती नहीं करनी है और किन किन चीजों को हमें किस तरह से लेकर जाना है। देखिए आपके सामने पूरा फुल स्क्रीन आपको देख पा रहे हैं, आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। देखिए ऊपर जो है दस्तावेज लिखा हुआ है, और दस्तावेज आपको जो बच्चे
सेलेक्टेड हो चुके हैं फाइनल मेरिट में, उनके लिए ये दस्तावेज लेकर जाने हैं, क्योंकि केजरीवाल लगातार हमें कॉल और मैसेज भी कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बनाइए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, सर रिपोर्टिंग टाइम क्या रहने वाला है, किस तारीख को हमें वहां पर जाना है एआरओ जेडआरओ में। तो देखिए उसी पर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि अभ्यर्थी को रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज का, जिसका आकार यहां पर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि 3.5x4.5 आकार का साइज का रहना है, और इसकी 20 प्रतिलिपि आपको लेकर जानी है, यानी 20 कॉपी आपको लेकर जानी है अपने पासपोर्ट साइज फोटो के। इसी तरह से 10वीं 12वीं अंक के एडमिट कार्ड, 8वीं 10वीं व 12वीं कक्षा की मार्कशीट, जो मार्कशीट है उसकी कॉपी लेकर जानी है। कितनी लेकर जानी है? सभी को 4-4 कॉपी लेकर जानी है। 10वीं 12वीं कक्षा का जो बोर्ड का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है वो लेके जानी है, उसकी कॉपी कितनी है? 4 कॉपी आपको लेकर जानी है, सभी को लेकर जानी है, ठीक है। अब डिप्टी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी डोमिसाइल, यानी कि जो जन्म प्रमाण पत्र है, जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको लेकर जाना है, उसकी कॉपी कितनी ले जानी है? आपको 4 लेकर जानी है। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, सन ऑफ वार के मामले में निर्भय प्रमाण पत्र, अगर कहीं पर ये लागू है, कहीं पर मांगे जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ये सर्टिफिकेट भी लेकर जाने हैं। इसी तरह से आपको उपायुक्त और अपर उपायुक्त द्वारा जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, जहां पर लागू हो, अगर वहां पर आपके लिए कहा गया तो वहां पर आपको ये लेकर जाना है। जन्म प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। देखिए इनकी कॉपी यहां पर दे रखा है, कितनी कितनी कॉपी आपको लेकर जानी है वो सब यहां पर दे रखा है, ये सब चीज लेकर जानी है। एनसीसी और संबंध प्रमाण पत्र, अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाना है, या फिर आपके पास में दूसरा कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट है जिससे कि आपको लगता है कि आपको उस वहां पर वेटेज मिल सकता है, उसका बेनिफिट मिल सकता है, तो वो आपको लेकर जानी है। कॉपी कितनी है? 2-2 कॉपी आपको लेकर जानी है। पैन कार्ड आपको लेकर जाना है, 2 कॉपी में लेकर जाना है। चलिए आगे और बढ़ लेते हैं। यहां पर है पंजीकृत मोबाइल के साथ में, ये देखिएगा, पंजीकृत मोबाइल के साथ मूल आधार कार्ड लाया जाएगा, पिता और माता का आधार कार्ड भी लाना जरूरी है। देखिए दोस्तों, दस्तावेजों में कहीं भी कुछ कमी नहीं रह जाए, दस्तावेज पूरे लेकर जाने हैं, वरना आपके लिए दिक्कत हो सकती है लास्ट टाइम पर आकर। और यहां पर जो दे रखा है, देखिए कि लास्ट में कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र यदि लागू हो, आपको लगता है कोई ऐसा प्रमाण पत्र और भी है, किसी एआरओ में मान लीजिए कुछ और सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है वहां पर लागू है, तो आपको वो दस्तावेज भी साथ में लेकर जाना है। दोस्तों गलती आपको क्या नहीं करनी है वो आप देख लीजिएगा। एक तो आपको जो ये तमाम दस्तावेज है इनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए, पूरे दस्तावेज आपको साथ में लेकर जाने हैं। दूसरा, एक बार इस पॉइंट को भी पढ़ लीजिए, यहां पर जो कहा जा रहा है ये देखिएगा, यहां पर कहा गया है कि वर्ष 18 वर्ष से कम आयु के सभी उम्मीदवार अपने आवंटित रेजिमेंटल केंद्र में रिपोर्ट करते समय अपने माता पिता के साथ रहेंगे। यानी अगर आपकी उम्र 18 से कम है, 17 साल 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 17.5 साल अगर उम्र है आपकी, तो आपको जब रिपोर्टिंग के लिए वहां पर जाना है, सेना भर्ती कार्यालय एआरओ जेडआरओ पर जाना है, तब आपके माता पिता आपके साथ में होने चाहिए। और देखिए एक और भी अच्छा पॉइंट देखिए, अगर इसको इतना हाइलाइटेड किया गया है तो इट मीन्स ये है कि इसको सख्ताई से लागू किया गया है और आपको इसको सीरियसली लेना है, तभी तो। अगर इन सब से देखा जाए तो किस तरह से इसको हाइलाइट किया गया है, ये देखिए फुल्ली हाइलाइटेड किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सभी उम्मीदवार उचित बाल कटाएंगे, दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं है। यानी जो एक फौजी की कटिंग होती है बालों की, वो कटिंग आपको करवा के जानी है और शेविंग कर जानी है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि इस छोटी सी चीज के लिए आपको आउट कर दिया जाए, क्योंकि आर्मी में इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं चलता है। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, जो आपको कहा जा रहा है उसको आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपकी छोटी सी मिस्टेक्स भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, आपको दिक्कत कर सकती है। और आप ये भी समझ लें कि अग्निवीर से जब आप परमानेंट में जाएंगे, तो परमानेंट का जो एक स्केल रखा हुआ है, जिन जिन स्टेप्स को फॉलो करके आपको जाना है, जहां से आपको मार्किंग मिलने वाली है, जहां से आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होनी है, उन चीजों में ये चीजें भी शामिल होती है कि आप कितने डिसिप्लिन वहां पर रहते हैं, आदेशों को किस तरह से मानते हैं, किस तरह से वहां पर आप अपने को प्रेजेंट कर पाते हैं। तो दोस्तों ये वो तमाम अपडेट थे जो आपको बताना जरूरी थे। दोस्तों सेना भर्ती को लेकर अगर कोई भी और अपडेट आता तो हम आपको उससे अवगत कराते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, जिन दोस्तों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डी न्यूज भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपके लिए एक खबर और बता देता हूं मैं, यहां पर देखिए हमने सुबह ही ये न्यूज आपको दी है, 10वीं पास युवा इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, 10वीं पास के लिए आ गई भर्ती, उम्र 25 साल, आज से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक भी डी न्यूज भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है,
है तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हाँ कुछ अपनों से भी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।